आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। आज मैं कनक लक्ष्मी आप सबके सामने एक पाठ लेकर उपस्थित हूँ। यह पाठ बसंत बाग 2 से लिया गया है, 7वीं कक्षा का है और पाठ नंबर 3 है हिमालय की बेटियाँ। इसके लेखक हैं नागार्जुन। हिमालय कहते ही हमारे सामने वो पर्वत आ जाता है जो कि पूरा बर्फ से ढका है या पूरा बर्फ से बना हुआ है। ऐसा हिमालय का चित्र हमारे मस्तिष्क में आ जाता है या हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है। हिमालय कहते ही ऐसे पहाड़ होंगे जिस पहाड़ को पूरा बर्फ ने ढक रखा है। तो नागार्जुन जी इस पाठ में वो कहना चाहते हैं कि हिमालय जो है उससे निकलती हुई जो भी नदियाँ हैं वो सारी नदियाँ जो है वो उनकी बेटियाँ हैं। ऐसा नागार्जुन जी लिखते हैं कि हिमालय जो है वो पिता है और उससे निकलती हुई जितनी भी नदियाँ हैं सारी नदियाँ जो है उनकी बेटियाँ हैं। और वो कहते हैं कि मैंने इस पहाड़ को या इस हिमालय को मैंने बहुत दूर से देखा। जब मैं हिमालय के कंधे पर बैठ गया या हिमालय पर जब मैं चढ़ गया और चढ़ करके जब मैं वहाँ से नदियों को देख रहा हूँ तो ये कुछ भिन्न है। भिन्न मतलब इसमें दोनों में बहुत अंतर है। जब मैं नदी को समतल जगह पर देखा हूँ और जब मैं हिमालय पर चढ़ करके वहाँ से मैं जब नदियों को देखता हूँ, इन दोनों में बहुत भिन्नता है, बहुत अलग दिखता है मुझे। कैसा दिखता है उन्हें कि यह जो नदियाँ हैं वो जो है वो पतली धारा से निकलती है हिमालय से और वो कल कल कर बहती है। मतलब कल कल का मतलब क्या है कि वो पहाड़ों से टकराते हुए जो नीचे जाती है तो ऐसे लग रहा है जैसे कि वो छोटे बच्चे जो उछल कूद करके अपने घर से बाहर खेलने के लिए जाते हैं, ऐसा उनको प्रतीत होता है। और वो कहते हैं कि ये नदियाँ जो है अपने पिता का हाथ छुड़ा करके वो जो है भागती हुई चली जा रही है। इतने बड़े हिमालय जो है उनके पिता जैसे हैं, उनको पाकर भी वो तृप्त नहीं होती है, संतुष्ट नहीं होती है और वो जो है भागने लगती है। वो भागती है, भागते भागते वो उनका लक्ष्य क्या है। नागार्जुन जी कहते हैं कि ये जो वेगों से निकल करके जा रही है नदियाँ, इन नदियों का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य का अर्थ होता है जैसे हम घर से कहीं निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाने के लिए निकलते हैं। जैसे आज सवेरे अगर हम घर से निकलते हैं तो स्कूल के निकलते हैं और अगर मैं शाम में निकलती हूँ तो मैं बाज़ार के लिए निकलती हूँ, तो हमारा लक्ष्य क्या होता है कि हमें बाज़ार जाना है शाम में। हमारा लक्ष्य क्या हो जाता है कि सवेरे उठ करके हमें स्कूल जाना है। तो इसी तरह से ये जो नदियाँ भाग रही हैं, इन नदियों का क्या लक्ष्य है। नागार्जुन जी कहते हैं कि यह जो है भागते दौड़ते हुए वो जब समतल स्थान पर पहुँचती है तो वो बहुत बड़ी धारा होकर के बहती है, बड़ी धारा में होकर के बहती है और बहुत चौड़े हो जाती है। जबकि हिमालय से जब निकलती है तो वो बहुत पतली धारा में निकलती है। तो कहते हैं कि जब समतल में चली जाती है तो ऐसा लगता है कि वो जो है अब बच्ची नहीं रही। जब वो धारा निकलकर पतली से आती है तब वो छोटी बच्चों की जैसा खेलते कूदते हुए निकलती है और जो समतल मैदान में आ जाती है तो वो थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, श्यानी हो जाती है। उसके बाद जब वो और बहते हुए आगे जाती है और समुद्र को गले लगा लेती है तब मानो उसका वो प्रेयसी है, उससे जाकर के वो मिल गई है। तो नागार्जुन जी कहते हैं कि हिमालय जो है वो पिता है और उनकी जो नदियाँ निकल रही हैं वो जो है बेटियाँ हैं और जिस समुद्र से वो मिल रही है, समुद्र जो है वह इसका प्रेयसी है, नदी का प्रेयसी है, वो प्रेमी है, इसीलिए वो जाकर के उससे गले लगाती है। तो क्या हो जाएगा, समुद्र जो है वो हिमालय का दामाद कहलाएगा। ऐसी सोच जो है वो नागार्जुन जी अपने दिमाग में लाते हैं, उसी से लेकर के इस पाठ को लिखा गया है। अब हम पाठ पढ़ेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। तो नागार्जुन जी कहते हैं कि जो हिमालय से जो नदियाँ निकल रही हैं उनको देखने पर ऐसे लगता है जैसे कि उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने समतल स्थान पर जो है नदियों को बहते हुए देखा था, बहुत चौड़े होकर के नदियों को बहते हुए, शांत रूप में बहते हुए। तो कहते हैं कि सम्राट महिला की तरह
मतलब एक शांत महिला की तरह जो है वह एकदम शांत होकर के बहती हुई मैंने नदियों को देखा था। नागार्जुन जी के मन में जो है नदियों के लिए बहुत ही आदर और श्रद्धा का अभाव था, क्योंकि वो नदी जो है वो बहुत शांत होकर के बह रही है समतल मैदानों में। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। तो क्या कहते हैं वो कि मैं जिस तरह से अपनी मौसी के गोद में खेलता था, माँ के गोद में खेलता था, अपनी बहन की गोद में खेलता था, उसी तरह से मैं जाकर के उस शांत जो बहने वाली जो नदी है उसमें भी मैं खेला करता था, उनकी गोद में भी डुबकियां लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। तो वो अपने आप से सवाल करते हैं कि जब मैंने समतल मैदानों में देखा, जब मैंने उस पर डुबकी लगाई, तब वह एकदम शांत थी, जैसे ही मैंने हिमालय के कंधे पर गया। कंधे पर जाने का क्या मतलब है, हिमालय पर चढ़ करके जब वो ऊपर गए और ऊपर से उन्होंने नदियों को देखा, तो समतल मैदानों में जो नदियाँ थी और जो ऊपर से हिमालय से जो बह रही थी, दोनों नदियों में बहुत भिन्नता थी। क्या भिन्नता थी कि जब वो कंधे पर बैठे हिमालय के ऊंचाई पर जा करके देखे तो वो क्या देखते हैं कि एक पतली सी धारा जो है वह बह रही है हिमालय से निकल करके, छोटी छोटी जो पतली पतली धाराएं हैं वो निकल करके बह रही है और यही धाराएं नीचे जा करके समतल मैदानों में चौड़ी नदी बन जाती है। तो कहते हैं कि दुबली पतली गंगा, यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में जा करके इतना विशाल रूप कैसे ले लेती है और इनका उछलना कूदना जो है वो वहां जा करके कम हो जाता है। कहा समतल मैदानों में। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक कहते हैं कि मैं किसी लड़की को जब देखता हूँ या फिर मैं किसी फूल की कली को जब मैं देखता हूँ, तब भी मेरा ध्यान इतना अटक नहीं जाता, मतलब मेरा ध्यान एक जगह मतलब आश्चर्य से टिक नहीं जाता जितना कि आज इनकी कौतूहल और विस्मय नहीं होता, मतलब मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता जितना कि आज हो रहा है इन बेटियों की बाल लीला देखकर। किन बेटियों की बाल लीला? हिमालय से निकलने वाली जो धारा है, जो नदी है, उसको देख करके, गंगा, यमुना, सतलज, इनको देख करके, इनकी जो पतली धारा है इनको देख करके मैं बहुत आश्चर्य हो गया। इनकी बाल लीलाएं, बाल लीलाओं का क्या अर्थ है कि जो हिमालय जब ऊपर से पानी जब गिरता है तब जो है वो हिमालय से टकरा टकरा करके वो उछल उछल करके नीचे पानी गिरता है, तो उसको देख करके जो है लेखक ये कहते हैं कि ये उनकी बाल लीलाएं हैं, क्योंकि जो बड़ी नदी है उसका ये बाल रूप है और वो बाल रूप जो है वो जिस तरह से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो जैसे बाल लीलाएं करते हैं, खेल कूद करते हैं, वैसे ही ये नदी भी बाल लीलाएं कर रही है। उनको देख करके लेखक जो है वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर आदित्यकाय सरसब्ज उपतकाय, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें
बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। क्या कहते हैं नागार्जुन जी कि कहाँ भागी जा रही हैं? कौन भागी जा रही है? नदियाँ। नदियाँ जो है हिमालय से निकल करके कूद कूद करके उछल कूद करते हुए वो कहाँ भागी जा रही हैं, यह वो सोचते हैं। इनका लक्ष्य क्या है, इन नदियों का लक्ष्य क्या है जिन्हें बेचैन कर रखा है? इन नदियों को इतना बेचैन कर रखा है कि वो भागती दौड़ती हुई जा रही हैं, तो इनका लक्ष्य क्या है? जैसे मैंने लक्ष्य बताया कि हम घर से स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाना हमारा लक्ष्य है, तो उसी तरह से इन नदियों का भी क्या लक्ष्य है जिसके लिए ये बेचैन भागती जा रही है, यह लेखक सोचते हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो वो क्या कहते हैं कि अपने जो पिता है वो इतने विराट हैं, इतना विराट हिमालय जो है उसको पाकर भी अगर ये अतृप्त है उनके प्रेम से तो कौन है जो इनकी ये प्रेम की जो प्यास है इसे मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर आदित्य काय सब्ज उक्त काय, ऐसा है इनका लीला निकेतन। तो क्या कहते हैं कि वो जो समतल भूमि है, उक्त काय का मतलब है जो घाटी या तराइयाँ जो है इस तरह से जो वहाँ से होकर के वो जो निकलती हैं, ऐसी है इनकी लीला निकेतन। तो क्या है, ऐसा है इनका जो है लीला। लीला का अर्थ है बाल लीला, जो यह जो है घाटियों से होते हुए भागती हुई वो जो है निकल रही है। कौन? सारी नदियाँ, पतली पतली जो नदियों की धारा है वो भागती हुई उछलती हुई बराबर जो जमीन है उससे होती हुई, फिर पहाड़ से होती हुई, फिर वो घाटियों से होती हुई जो है भागती जा रही है, ऐसी है इनकी लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो क्या कहते हैं कि जब ये घाटियों से होते हुए जब ये सारे वनों के बीच में चले जाती हैं तब ये याद करती होंगी उन उस हिमालय को जहाँ से मैं निकली थी, जहाँ पर मैं थी वहाँ से मैं जो है होते हुए कहाँ पहुँच गई, अब मैं इन सारे पेड़ पौधों के बीच से होते हुए निकल रही हूँ। सारे पेड़ पौधों से होते हुए पानी रुकती नहीं है, पानी तो जहाँ से स्थान मिलता है वहाँ से वो अपना रास्ता बनाती हुई निकल जाती है, तो यह भी जो है जंगल की ओर चली जाती है और जंगल से होते हुए वो और आगे बढ़ती ही जाती है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। तो कहते हैं कि जो बुढ़ा हिमालय उत्तर में खड़ा हुआ है वह जो है कितना अपना सिर धुनता होगा इन बेटियों के लिए कि ये बेटियां जो है अब हिमालय का हाथ छुड़ा करके वो जो है भागती हुई चली जा रही है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। तो कहते हैं कि उत्तर में जो इतना बड़ा हिमालय है उनसे अगर जा करके जब भी पूछे तो क्या मिलेगा वहाँ पर, वहाँ पर सिर्फ मौन मिलेगा, मौन खड़ा है हिमालय, क्योंकि उनकी सारी बेटियाँ जो है वो भागती हुई समुद्र की ओर जा रही हैं और समुद्र से जा करके वो मिल रही हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल जिसे कुभा कहते हैं, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। नागार्जुन जी कहते हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये जो दो बड़े महानदी हैं ये कुछ नहीं है,
क्या नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत सारे जो छोटे छोटे नदियां हैं उनका मिला हुआ रूप है, जिनके नाम सुनते ही हमारे सामने में बहुत सारी नदियों के नाम आ जाते हैं, जैसे रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल और कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नदियों के नाम हमारे दिमाग में आ जाता है। वो सारे मिल करके जो है उनके आंखों के सामने आ जाते हैं। ये सारे छोटी छोटी नदियों के नाम जो है वो सामने आ जाते हैं जब भी हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र को याद करते हैं। तो ये जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये बड़े महानदी हैं, लेकिन ये क्या है? ये जो है हिमालय के जो हृदय है, हृदय से पिघले हुए छोटे छोटे बूंद जो है वो इकट्ठे हो होकर वो पानी की धारा बनकर रहते हैं। यही है नदी। हिमालय जो है बर्फ है, बर्फ जो है छोटे छोटे बूंदों में वो पिघलती है, पिघलने के बाद जो धाराएं बनती है वो छोटी छोटी नदियां जो है वो जाकर के बनती हैं, दो महानदी सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कहते हैं कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो ये जो नदियां हैं ये भागती हुई कहाँ जाती है? हिमालय का हाथ छुड़ा करके समुद्र का हाथ थामने के लिए जाती है। तो कहते हैं कि वो कितना सौभाग्यशाली होगा वह समुद्र जिसे पर्वतराज, पर्वतराज मतलब पर्वतों का सबसे बड़ा राजा है हिमालय, तो इस हिमालय की जो बेटियां हैं वह जो है जाकर के समुद्र का हाथ पकड़ लेती हैं। हिमालय का हाथ छुड़ा करके, अपने पिता का हाथ छुड़ा करके अपने प्रेमी समुद्र का हाथ थाम लेती हैं, तो ये जो हाथ पकड़ने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? वो समुद्र को जाता है। इसीलिए नागार्जुन जी कहते हैं कि हिमालय जो है वो पिता है और नदियां जो है उनकी बेटियां हैं, और उनकी बेटियां जो है जाकर के समुद्र, समुद्र जो है नदियों का प्रेमी है, समुद्र से वो मिल जाती है, समुद्र का हाथ थाम लेती हैं, तो समुद्र जो है वो हिमालय का दामाद कहलाए। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि नदियों को जो जिन लोगों ने मैदानी इलाके में देखा है, मैदानी इलाके में नदियों को कैसे देखा है कि वो बहुत बड़े रूप में वो बहती हुई चली जा रही है, शांत रूप में बहती हुई चली जा रही है। जिन्होंने समतल मैदानों में नदियों को देखा है उनको, उनके ख्याल में भी ये नहीं आ सकता कि बूढ़े जो हिमालय है उसकी गोद में ये बेटियां नदियां जो है कैसे खेला करती हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी होती हैं और छोटी होकर के वो कल कल करके बहती हैं, तो उसी को कहना कैसे चाहे हैं कि माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमी के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। जिन लोगों ने मैदानों में देखा है वो अलग है, क्योंकि जो लेखक है, लेखक ने भी नदियों को मैदानी इलाकों में बहते हुए देखा है, प्लेन एरिया जिसको कहेंगे, उस पर बहते हुए देखा है, लेकिन जब उन्होंने हिमालय की चोटी में चढ़ करके देखा नदी को, तो उसमें और समतल मैदानों में बहने वाली नदी है दोनों में बहुत अंतर है। तो इसी अंतर को वो बताते हैं कि ऐसे लगता है जैसे माँ बाप के गोद में बच्चे नंग धड़ंग खेलते रहते हैं, कभी गोद में गिरते हैं, कभी वो गोद से नीचे उतर जाते हैं, उसी तरह से जो नदियाँ हैं, पतली धारा जो है वह हिमालय से बहती हुई ऐसे ही अपने पिता के गोद में खेलते हुए वो नीचे चली जाती है और पिता का हाथ छोड़ देती है और जंगलों से होते हुए मैदानी इलाके में जा कर के विकराल रूप ले लेती है, बड़ा सा रूप ले लेती है और ले करके वो समुद्र में जा करके मिल जाती है। तो समुद्र हिमालय का दामाद कहने में नागार्जुन जी कहते हैं कि कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बेटियां हैं, बेटियां जाकर के समुद्र का हाथ थाम रही है, तो वो दामाद कहलाएंगे हिमालय का। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वित्रवती विधवा, नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रियसी
तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो क्या है, कालिदास भी जो है मेघदूत से कहा था कि नदी जो है वो प्रेम का प्रतिदान देते जा रही है, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। तो क्या याद आ गई कि वो जो है अपने प्रेयसी के लिए, प्रेयसी कौन है, समुद्र उसका प्रेयसी है, उसके लिए वो दौड़ी चली जाती है। काका करेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिन्हें हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का साथ कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, थोलेड तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो क्या है, कवि काका कलेलकर जो है वो कहते हैं कि हम नदियों को लोक माता क्यों ना कहें। लोक माता का मतलब सबकी माता, क्योंकि अगर जल नहीं है तो मनुष्य नहीं है, प्राणी नहीं है, प्रकृति नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हम सबको जीवित रखने की वाली जो पानी है, पानी देने वाली जो नदी है, इसको हम अगर लोक माता का नाम दें तो क्या गलत होगा। किंतु माता बनने से पहले हम इन्हें बेटियां भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले वो बेटी रहेगी, उसके बाद ही उसकी शादी होगी, तब जाकर के वो माँ बनेगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जब मैं लोक माता उसे कहता हूँ नदी को, तो उससे पहले क्यों ना मैं इसे बेटी कहूँ। जब वो हिमालय से निकल रहे हैं तो उनको बेटी क्यों ना कहूँ। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिससे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। नदियों को बहन की उपासना भी देते हैं कि बहन की तरह भी उनसे देखते हैं। बहन, बेटी, माता, इस रूपों में जो है हम नदियों को देखते हैं, या कवि और लेखक इस रूप में नदियों को देखा करते हैं, तभी वो अपना लेख लिखते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई, मैं तिब्बत की बात है, जब मेरी तबीयत जो है वो ढीली हो गई, काका कलेलकर की तबीयत जो है वो ढीली हो गई, मतलब तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो गए और सतलज के किनारे जाकर के बैठ गए। सतलज नदी में जो है अपने पाँव जो है वो भिगा रहे थे, पाँव ऐसे रखे हुए हैं तो नदी बह रही है, तो वो उसके उनके पाँव के ऊपर से होकर के जल जो है वो जा रहा है। तो थोड़ी ही देर में वो क्या देखते हैं कि उनका तन और मन जो है वो एकदम ताज़ा हो जाता है। हम जब भी पानी में जाते हैं, तो बच्चे आप भी जाते होंगे, जहाँ भी पिकनिक जाते हैं तो ऐसी जगह को हम पसंद करते हैं जिस जगह में जाकर के हम खाना भी खाएं सूखे में बैठ कर के, उसके बाद पानी में भी थोड़ा सा खेलें, तभी वो जो है पिकनिक हमारा पूर्ण होता है। तो क्या है कि हम जाएंगे और जाकर बैठेंगे, थोड़ी देर खेलेंगे सूखे में और उसके बाद खाना खा के आ जाएंगे, उसे पिकनिक नहीं कहा जाएगा। पिकनिक जाने के लिए जो है हम कभी भी समुद्र का किनारा या नदी का किनारा ऐसे लेते हैं ताकि थोड़ी देर हम पानी में खेल सकें।
तो पानी में खेलने पर क्या हो जाता है, हमारा मन जो है वो ताजा हो जाता है, हमारा मन तन जो है वो सब जो है ताजा हो जाता है। तो इसी तरह से कभी कभी जो तन मन है उनका जो तबीयत ढीली थी वो सब अच्छी होने लगी और वो जो है ताजा हो गए। ताजा होने के बाद उन्होंने अपने से गुनगुनाया, क्या गुनगुनाया, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, सतलज तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी जो लीला है वो बहुत ही सुंदर है या बहुत ही मोदित करने वाली है, जो किसी भी इंसान को जो है मोह लेने वाली है कि वो आपके पास आए और आकर के इस पानी में डुबकी लगाए। जाओ मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर जो है बलिहारी होता हूँ, मैं तुम पर जो है कुर्बान होता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम जो है बेटी हो सतलज, तुम जो है बेटी हो और तुम्हारा बाप कौन है, हिमालय तुम्हारा पिता है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, हिमालय जो है वह चिंतित हो जाते हैं कि उनकी बेटियां उनके हाथ छुड़ा करके जो है वो मैदानों की ओर भाग गई हैं या वह मैदानों की ओर दौड़ती हुई चली गई हैं, और तब भी हिमालय जो है वह चुप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, हिमालय जो है वह एक ऐसी छाप है, हिमालय है तो नदियां हैं, नदियां हैं तो जल है, तो वो जो है एक मिट छाप है हमारे लिए, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो कहते हैं बार बार जो है वो जय जयकार करते हैं सतलज नदी की कि आपकी वजह से जो है आज मेरी तबीयत जो है वो बहुत ढीली थी, आज मैं बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। तो इसी तरह से एक नदी नहीं सारी नदियों के लिए कवियों का और लेखकों का और सारे लोगों का यही विचार है कि ये नदी जो है वह हमें पीने के लिए योग्य पानी देती है, खेती के योग्य पानी देती है और तमाम तरह के जो भी काम हैं सारे कामों के लिए पानी हमें नदियों से ही मिलता है। और नदियाँ कहाँ से आती है, हिमालय के हृदय से पिघली हुई बूंद बूंद जो है, हिमालय जो है वो बर्फ़ से बना हुआ है और बर्फ जो है बूंद बूंद जो है वो पिघलता है, वो इकट्ठे होने के बाद पतली धारा में नदियाँ बनती है और वही नदी समतल मैदानों में आकर के विकराल रूप लेती है जिससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। इस प्रकार बच्चों हमने इस पाठ को पढ़ा, अब हम इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ है बच्चों, संप्रभात का अर्थ है शिष्ट, शिष्ट या भोली वाली महिला जैसा प्रतीत होना। दूसरा नंबर है अदित्यकाय, अदित्यकाय का अर्थ है पहाड़ों में समतल भूमि, पहाड़ जो है एक ही तरह के पहाड़ नहीं होते हैं, थोड़ा सा समतल होता है फिर उसके बाद पहाड़ होता है फिर नीचे आता है फिर थोड़ा समतल, तो इस तरह से जो समतल जगह स्थान जो होता है उसे कहते हैं अदित्यकाय। तीसरा नंबर है कुमारी, कुमारी का अर्थ है आलस। चौथा नंबर है उक्तकाय, उक्तकाय का अर्थ है घाटी, घाटी से होती हुई जो है नदी जाती है। पांचवा नंबर है बलिहारी, बलिहारी का अर्थ है न्योछावर होना, जब हम नदियों के पानी को या समुद्र के पानी को देखते हैं तो हम अपने आप को न्योछावर कर देते हैं, हम दौड़ते हुए पानी में छलांग लगाना चाहते हैं, पानी को देखते ही हम रोक नहीं पाते अपने आप को और न्योछावर कर देते हैं उस पर। छठा नंबर है सरसब्ज, सरसब्ज का अर्थ है हरा भरा या लहलहाता, जब वो जंगलों के बीच से जाती है तो लहलहाते हुए जो जंगल है उसके बीच से जो है वो कलकल बहती हुई निकल जाती है। सातवां नंबर है कौतूहल, कौतूहल का अर्थ है जानने की इच्छा। आठवां नंबर मौन, मौन का अर्थ है चुपचाप, जैसे हिमालय जो है वो मौन खड़ा है। नौवां नंबर है सचेतन, सचेतन का अर्थ है जानदार। आठवां नंबर लुभावना, लुभावना का अर्थ है मन मोहक। नौवां नंबर है अतृप्त, अतृप्त का अर्थ है संतुष्ट न होना, यहाँ अतृप्त जो है लेखक ने बताया कि जो हिमालय की जो बेटियां हैं वो हिमालय का हाथ छुड़ा करके वो अतृप्त होती हैं और वो दौड़ती भी जाती हैं और जाकर के कहाँ संतुष्ट होती हैं, जब समुद्र का हाथ थाम लेती है तब जाकर के वो संतुष्ट होती है। दसवां नंबर है प्रतीत, प्रतीत का अर्थ है मालूम। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कठिन शब्द जो पाठ में आए थे उसके अर्थ देखे, अब हम पाठ्य पुस्तक में आए हुए प्रश्नों को हल करें। बच्चों पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न है
नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? उत्तर है, नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। प्रायः गंगा मैया, यमुना मैया कहा जाता है। इसके अलावा लेखक नदियों को निम्न रूप में देखते हैं। पहला, बेटियों के रूप में, इन्होंने बेटियों के रूप में देखा। कैसे? कि वो जो नदियां हैं वो हिमालय की बेटियां हैं, पाठ में भी है हिमालय की बेटियां। दूसरा है प्रेयसी के रूप में। प्रेयसी का मतलब क्या है कि जब वो दौड़ती हुई समुद्र का हाथ थामती है तो समुद्र जो है उसका प्रेमी है, इसलिए वह प्रेयसी के रूप में देखता है, प्रेमिकाओं के रूप में देखता है नदियों को। तीसरा, बहन के रूप में, जैसे सतलज नदी को जो है उन्होंने क्या देखा कि वह जो है उसकी बहन की तरह है। जब वो तबीयत ढीली हो गई है तब हम जाकर के जब बैठते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि एक बहन है जो हमारे साथ हमारे खड़ी है और हमें खुश देखना चाहती है। तो इस तरह से इन रूपों में लेखक ने देखा है नदियों को। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है। लेखक क्या कहते हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये महानद बनी है। ये नदियां लुभावनी है। तो ये लुभावनी का क्या अर्थ है? मनमोहक है। तो ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो है वो अपने आप में कुछ नहीं है, वो क्या है? हिमालय के दिल से पिघले हुए एक एक बूंद। दिल पिघलना का अर्थ क्या है कि जो बर्फ है वो थोड़े थोड़े करके जो पिघलती है, पिघल करके जो इकट्ठा होकर के जो बहती है, वही ये महानद का महानद बनती है और ये नदियां सभी को लुभाती है। तीसरा प्रश्न है, काका कलेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? उत्तर है, काका कलेलकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि ये नदियां लोगों के लिए माता के समान पवित्र एवं कल्याणकारी है। इनमें ममता की भावना होती है। तो पवित्र, पवित्र जो है वो नदी जो है वो एकदम साफ सुथरी होती है, उसका पात जल जो है हम प्रयोग में लाते हैं। और कल्याणकारी कैसे है? अगर वो नदी जा रही है तभी हम वहाँ बगल में जाकर के खेती कर सकते हैं और खेती करते हैं तभी हमारा कल्याण होता है, हमारा जो है भोजन हमें मिलता है। तो ये एक माता के रूप में वो जो है एक पवित्र और कल्याणकारी होती है नदियाँ। चौथा प्रश्न है, बच्चों, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने निम्नलिखित प्रशंसा की है, जैसे गंगा यमुना, पौधों से भरी भरी घाटियां और विभिन्न प्रकार के पेड़ों आदि का यहाँ पर वर्णन किया है और उनकी प्रशंसा की है। जो नागार्जुन जी हिमालय की यात्रा कर रहे थे उस वक्त किस किन किन चीजों की उन्होंने प्रशंसा की है? उन्होंने पेड़ों की प्रशंसा की है, घाटियों की प्रशंसा की है और यमुना और गंगा, इन सारी नदियों का भी प्रशंसा किया है। इस प्रकार बच्चों हमने इस पाठ को पढ़ा, हिमालय की बेटियां, जो है बहुत ही अच्छा पाठ रहा। अगले पाठ तक के लिए नमस्कार।